नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले थे आप किस तरह से चीटिका की एड आप अपनी वेबसाइट में लगा सकते हो, और यहाँ पे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा किस तरह से चीटिका में अप्लाई कर सकते हो, इसकी एड को किस तरह से आपकी वेबसाइट में लगा सकते हो, इसकी अप्रूवल प्रोसेसिंग क्या है, किस तरह की वेबसाइट आप इसमें ऐड कर सकते हो, इसके बारे में आपको डिटेल में बात करने वाले हैं। तो सब कुछ जानने के लिए वीडियो देखते रहिए। तो देखिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर मैं अभी तक आपने हमारा यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथों साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे, और यहाँ पे पूरा वीडियो देखना मत भूलिए। तो देखिए, यहाँ पे आ चुका हमारा कंप्यूटर में, और यहाँ पे हम आगे इसकी प्रोसेस करने वाले हैं, और यहाँ पे हम आज यूज करने वाले एक वेबसाइट है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं वेबसाइट का नाम है क्वेश्चन टैग, और यहाँ पे ये बहुत ही ओल्ड वेबसाइट है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका यूज़र और स्कोर बोर्ड सबको रेडी है। तो इसकी इस वेबसाइट का यूज़ करके हम चीटिका में अकाउंट बनाएंगे और इस वेबसाइट को अप्रूव के लिए रखेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, गूगल ओपन करके आपको लिखना है चीटिका। तो जैसा आप चीटिका लिखोगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहली वेबसाइट आएगी, वहीं वेबसाइट होगी, इसे आपको ओपन करना है। तो देखिए, वेबसाइट ओपन हो चुकी है, और इसके बाद यहाँ पर जैसे वेबसाइट ओपन होगी यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर लिखा होगा साइन अप फॉर फ्री, वहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे वहाँ पर क्लिक करोगे यहाँ पे आपका अकाउंट बनेगा, वो बनेगा पब्लिशर अकाउंट। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको आपका ईमेल एड्रेस ऐड करना है। तो यहाँ पे जो अभी आपका जो एडमिन ईमेल होगा वो आपको यहाँ पे ऐड करना है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एडमिन ईमेल। इसके बाद आपको देखिए यहाँ पे गो बटन पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको देखिए यहाँ पे कहा गया कि आपको एक ईमेल आएगा, इसमें आपको एक लिंक मिलेगी, वहाँ जाके आपको आगे बढ़ना है। तो यहाँ पे हम ईमेल ओपन कर देते हैं। तो देखिए, यहाँ पे ईमेल ओपन हो रहा है, यहाँ पे आपको ईमेल देखा देगा चीटिका, इसे आपको ओपन करना है। जैसे आप ओपन करोगे तो यहाँ पे आपको देखा देगा कंप्लीट माय एप्लीकेशन, वहाँ पे आपको क्लिक करना है। तो देखिए, जैसे आप वहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपके सामने आ जाएगा एक फॉर्म, और वहाँ पे आपको सबसे पहले जो पूरी डिटेल है वो यहाँ पे आपको फिलअप करनी है। तो देखिए, यहाँ पे मैं सभी डिटेल फिलअप कर देता हूँ। तो देखिए, यहाँ पे मैंने पूरी इन्फॉर्मेशन फिलअप कर दी है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको नाम लिखना है, इसके बाद आपको आपका यूज़र नेम चूज़ करना है, इसके बाद आपकी वेबसाइट के आपको यूआरएल देने हैं, वेबसाइट के यूआरएल देने के बाद आपको पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर आपकी कंट्री चूज़ करनी है, इसके बाद आपको सबमिट बटन पर क्लिक करना है। तो देखिए, जैसे हमने लॉगिन किया तो यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको करना है गेट कोड, और यहाँ पे आपको कोड लेना है या एड यूनिट आपसे यहाँ पे आपकी वेबसाइट में ऐड करने हैं। जैसे कि देखिए, यहाँ पे गेट कोड पे मैं क्लिक कर देता हूँ, और यहाँ पे आपको देखिए ये आप किस प्रकार का आप कोड लेना चाहते हो सबके बारे में यहाँ पर लिखा है। तो देखिए यहाँ पर, इसके बाद आपको इस कोड को यहाँ पर कॉपी करना है। तो यहाँ पर मैं इस कोड को कॉपी कर देता हूँ, कोड यहाँ पर सक्सेसफुली आ चुका है। इसके बाद आपको जाना है आपकी वेबसाइट में। तो देखिए, यहाँ पे वेबसाइट सक्सेसफुली ओपन है। इसके बाद आपको नेविगेट होना है आपके एडमिन डैशबोर्ड में। जैसे वहाँ पे जाओगे तो यहाँ पे आपको देखिए लेआउट पे क्लिक करना है, ये आपकी वेबसाइट पे डिपेंड करता है आपके पास किस प्रकार की वेबसाइट है। वर्डप्रेस में है तो बिल्कुल सिंपल है, आप डायरेक्टली इसे ऐड कर सकते हो आपकी वर्डप्रेस की वेबसाइट में। यहाँ पर मैं क्वेश्चन आंसर का सिस्टम यूज़ कर रहा हूँ, इसमें ये ऐड लगाएंगे। तो यहाँ पर मैं साइड बार में रख देता हूँ, उसके बाद इस कोड को यहाँ पर हम सेव कर देंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं एड शो हुई है, लेकिन यहाँ पे अभी रिस्पॉन्सिव नहीं है। तो यहाँ पे आपको इसे रिस्पॉन्सिव कोड है यहाँ पे हमें फाइंड करना पड़ेगा। तो इसके लिए यहाँ पे हम नीचे जाएंगे, और यहाँ पे आपको कोड जनरेटर पे जाना है, और यहाँ पे आपको फॉर्मेट पे चूज़ करके यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पर आपको ढेर सारे जैसे लेआउट मिल जाएंगे, इसमें से यहाँ पर आपको चूज़ करना है। यहाँ पर मैं आपको देखा तो आपको कौन सा चूज़ करना है, देखिए तो सबसे पहला ही से आप चूज़ कर दीजिए 116x600। इसके बाद आपको ये कोड को आपके वेबसाइट में ऐड करना है। तो देखिए, कोड आ चुका है, इसके बाद यहाँ पे हम इसे कॉपी कर देते हैं। और यहाँ पे हम ओवरऑल बात करें तो आपके लिए ये भी एक बेस्ट जो एडसेंस अल्टरनेट कह सकते हैं हम, अगर आपकी वेबसाइट में इसे ऐड करना चाहते हो आप कर सकते हो। यहाँ पर हम एडमिन में जाके यहाँ पर हम इस कोड को फिर से रिप्लेस कर देंगे, जैसे कि देखिए आप कंट्रोल ए और कंट्रोल वी, इसके बाद आपको इसे सेव करना है। अगर आप यहाँ पे वर्डप्रेस और ब्लॉगर यूज़ करते हो तो आपके लिए यहाँ पे बहुत ही अच्छा रहेगा, और डायरेक्टली आप अपनी वेबसाइट में ये कोड ऐड कर सकते हो। तो देखिए, यहाँ पे हम इसे न्यू पेज में ओपन कर देते हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ऐड शो होने लगी है, और यहाँ पर देखिए
इसके बाद यहाँ पे हम यही वेबसाइट को दूसरे ही ब्राउज़र में ओपन करके देख लेते हैं कि किस प्रकार की एड शो होती है। और यहाँ पे ये बिल्कुल एडसेंस की तरह शो होती है, नहीं कि मीडिया डोनेट की तरह। तो यहाँ पे आपको यूज़र फ्रेंडली एड शो होगी, इसकी मदद से यहाँ पे आपकी जो एड पे क्लिक होने की पॉसिबिलिटी भी बहुत ही बढ़ जाती है। देखिए यहाँ पे एड शो हो चुकी है और यहाँ पे आपको एड दिखा देगी। ये बिल्कुल ग्राफिकल एड है और यही एक रास्ता है, इसकी मदद से यहाँ पे डायरेक्टली आप इसे एड को आपकी वेबसाइट में ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे देखिए यहाँ पे अप्रूव ऐसा मुझे कुछ नहीं लगता क्योंकि यहाँ पे मैं पहली बार इसे यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे डायरेक्टली हमने एड अपने वेबसाइट में लगाई तो एड शो होने लगी। और यहाँ पे तो हम देख लेते हैं कि डैशबोर्ड में आपको क्या क्या मिलता है। तो देखिए चिटिका का डैशबोर्ड है, इसके बाद रिपोर्ट्स, और यहाँ पे हम रिपोर्ट्स में एडवांस रिपोर्ट्स में क्लिक करके देख लेते हैं कि इसका जो रिपोर्ट कैसा है। तो देखिए यहाँ पे 7 डे रिपोर्ट्स, 14 डे रिपोर्ट्स, इसके बाद यहाँ पे आपको सभी रिपोर्ट्स यहाँ पे आपको मिलता है। इसके बाद ऑप्टिमाइजेशन, और यहाँ पे आपको किस तरह से आपका जो अर्निंग आपको इंक्रीज करनी है, इसके बाद यहाँ पे आपको सभी डिटेल है। अब जैसे आप होम पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे डायरेक्टली आप देखिए यस्टरडे कितनी अर्निंग हुई मंडे, और उसके बाद टोटल पेड अर्निंग, इसके बाद आपका इंप्रेशन कितने हुए। तो देखिए यहाँ पे थोड़ी देर पहले हमने ऐड किए, यहाँ पे इंप्रेशन 12 आ चुके हैं। तो बस यही एक रास्ता है, इसकी मदद से आप अपनी वेबसाइट में चिटिका की एड लगा सकते हो। और यहाँ पे ये आपको कभी यूज़ करना है, अगर आपके पास जो एडसेंस का अप्रूव नहीं मिलता तो आप इसका यूज़ कर सकते हो। तो देखिए पहले मैं आज रख कुछ आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा किस तरह से आप चिटिका में अप्लाई कर सकते हो और आपकी वेबसाइट और ब्लॉग की मदद से और यहाँ पे अर्निंग कर सकते हो। अगर वीडियो पसंद आ रहे तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।